यार मार्केट में जिसकी क्रेडिबिलिटी रहती है ना, उनका तुरंत काम हो जाता है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहे हैं 9:30। मैं उठ तो गया था जल्दी, लेकिन अभी आज ऐसा कंफ्यूजन हो गया कि मुझे लगा आज मार्केट की छुट्टी नहीं है, मार्केट चालू रहेगा। तो मैं उस हिसाब से प्लानिंग किया था, अभी हमें पूजा भी करनी है सब फैमिली मेम्बर्स को बैठ के, तो उसकी भी तैयारी चालू है बाहर। और तो मैंने लैपटॉप्स निकाल लिए, बाद में देखा तो आज मोहर्रम की छुट्टी निकली। बोला चलो आज तो अपनी छुट्टी है, तो अभी दिन भर अपने पास अभी कुछ करने के लिए तो है नहीं, देखेंगे आगे का दिन कैसे प्लान करना है। अनएक्सपेक्टेडली छुट्टी मिल जाती है तो अलग ही हो जाता है। मेरे को लगा नहीं था मोहर्रम की छुट्टी होगी। पूजा अच्छे से हो चुकी है, अभी बैठ के मैं एक रील बना रहा था, तो वो रील ज़रूर देखिएगा आप लोग। मैं इंस्टाग्राम की हैंडल तो मेरी डालता ही रहता हूँ हमेशा, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी और मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँगा, तो प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं वहाँ पे रील पोस्ट करता रहता हूँ। अभी मैं निकल रहा हूँ एयरटेल गैलरी, मुझे eSIM एक्टिवेट करना है, मुझे और भाई को दोनों को एक्टिवेट करना है, तो हम दोनों साथ में जा रहे हैं। वो eSIM का काम भी कर लेते हैं, और साथ में मैं अभी वो सीट वाले भैया को भी कॉल कर लेता हूँ कि अगर वो अभी हैं, अगर फ्री रहेंगे तो मैं सीट का काम भी करवा लूँगा बुलेट का। तो ये दो काम है अभी, तो ये कर लेता हूँ मैं जाके। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 7:45। तो कल तो थोड़ी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं पैरासिटामोल लेके सो गई थी। तो आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो मैंने सोचा कि ऑफिस जाके आ ही जाती हूँ। नहीं बेटर, अगर ऑफिस में थोड़ी तबीयत लगेगी ढीली तो मैं घर वापस आ जाऊंगी। तो उठ चुकी हूँ, रेडी होने के लिए लग जाती हूँ, वरना बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। और कल भी जैसे थोड़ा लेट हो ही गया था मुझे, मैं 10 मिनट्स लेट थी ऑफिस में, तो आज मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं लेट हो जाऊँ। तो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, फिर आप सबसे मिलते हो। मैंने इतना ज्यादा टाइम पास कर लिया कि अभी मेरा टाइम पे ध्यान गया, टाइम हो गए हैं 9:43। मैं इतनी देर से मम्मी से बैठे बैठे बातें कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो चुका है, वरना मैं फटाफट रेडी हो जाती। तो अभी मैं फटाफट रेडी होने के लिए निकलती हूँ, वरना बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा मुझे। अभी हमको रोड के अपोजिट साइड जाना है, वहां पे एयरटेल की गैलरी। पहले ये साइड हुआ करती थी, अभी वो साइड। अभी बाइक तो वो साइड में ही पार्क कर दी है, छोड़ दी हम लोगों ने, क्योंकि बहुत बड़ा यू टर्न है एंड सिग्नल भी है, तो बोला यहीं छोड़ देते हैं। रोड क्रॉस कर ली हम लोगों ने, बीच में वहां पे डिवाइडर था, तो अभी मैं एयरटेल काम कर लेता हूँ। मैं पूरा लिख देता हूँ, फिर फोटो डालना है। eSIM आपका ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी दोनों लोग का डाला हो ना, वो ईमेल आईडी डालना है इसमें। eSIM ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी देगा वो डाल देना, ठीक है। ईमेल आईडी डालोगे, सेंड कर देना वही नंबर से, चालू होने के बाद सेंड करोगे ना, तो वहाँ से रिप्लाई आएगा, वो इस पर वापस रिबैक आएगा कि अपना eSIM के लिए 1 or 2 दबा, उसमें आपको 1 दबाना है। अभी सिम कार्ड का काम तो हो गया है, ले लिए सिम कार्ड, मेरा सिम तो चालू भी हो गया है, पर भाई के लिए बोल रहा है कि वेरिफिकेशन करने के लिए घर पे आएगा। एकदम कॉमेडी सीन हो गया है। क्या है, मार्केट में जिसकी क्रेडिबिलिटी रहती है ना, उनका तुरंत काम हो जाता है। अभी निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, लेट ज़्यादा हुआ नहीं है, टाइम से पहुंच जाऊंगी ऑफिस। और मैं और यश आज एक डिस्कशन कर रहे थे कि पिछले वीडियो में मैंने नोटिस किया कि मेरी जो फुटेज थी वो थोड़ी ब्लर आ रही थी, तो उसको मैं कैसे यहाँ से सेंड करूँ उसको। तो अगर आप लोगों को कोई अच्छे ऑप्शंस पता है तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे साथ शेयर कीजिए। अभी आ गया हूँ मैं फाइनली अपने बुलेट का सीट का काम करवाने के लिए। यहाँ पे वो फोम कटिंग और मेजरमेंट लेके चालू है, तो हो जाएगा फटाफट काम। सीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी घुस गया था, वो स्टिचिंग के थ्रू जरिया बना लेता है, वो डायरेक्ट फोम तक चला गया पानी।
चला गया सीट के अंदर। इतना पानी गया कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आगे के सीट पे तो ये सॉल्यूशन लगा दिया है गम, अभी पीछे के सीट का काम चालू है। काफ़ी ज़्यादा पानी निकल रहा है। पीछे के सीट का काम ऑलमोस्ट ख़त्म, अब स्टेपलिंग करना है, बस हो गया। चलो फाइनली डन, अपना आगे का सीट का कवर भी हो गया है, पीछे का भी उधर पड़ा है, हो गया भाई अपना काम आज। कब से इसके पीछे पड़ा था मैं करवाने के लिए, अभी हो गया फाइनली। आज ऑफिस में एक छोटा सा सेलिब्रेशन है, एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसका केक भी हमारा आ चुका है। बस अभी बर्थडे गर्ल से पहले टेस्ट विनोदी ने कर लिया है। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जेनी। बाकी आज वेदर काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब थोड़ी देर में धूप भी हो रही है और थोड़ी देर में बारिश भी हो रही है, बट क्लाउड्स देखो आप लोग, क्लाउड्स इतने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक्शन। बैठे बैठे कुछ अभी था नहीं तो मैं एक और रील बना रहा था, वो रील मैंने बना लिया और फिर वीडियो के एनालिटिक्स देख रहा था। सुबह से लैपटॉप इधर ही पड़ा है, तो अगर अभी ये लैपटॉप उठा के मैंने रखा नहीं, अगर मेरा काम हो गया तो मम्मी आज मारने ही वाली है। मम्मी ने चार बार तो बोल दिया देखो ये सेकंड वाला लैपटॉप काम नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट वो तो रख दे, वो भी मैंने रखा नहीं है। तो मैं ये अभी सब हटा देता हूँ और अभी मेरा डिनर का भी टाइम हो चुका है, अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो मैं अभी खाना खा लेता हूँ। और अभी बैठे बैठे ये एयरटेल ई सिम का काम कर रहा था, तो वो ई सिम का काम भी हो गया, प्रोसीजर मतलब शॉर्ट सही था प्रोसीजर, तो वो कर दिया भी अभी मैंने, तो अभी ई सिम चालू भी हो जाएगा ये 2 या 3 घंटे में। अभी मैं बैठा था उतने में दिव्यंका आ चुकी है अभी खाना खा के फुल ऑन मस्ती करने के लिए। आज दिव्यंका और मैं एकदम ट्विन कर रहे हैं, भाई बहन ने दोनों ने लाल पहना है और वहां पे आयुषी भी ट्विन कर रही है, उसने भी रेड पहना है। अरे नीचे का भी हमारा मैचिंग है, मैंने भी ब्लैक कलर के शॉर्ट्स पहने और इसने भी ब्लैक कलर के शॉर्ट्स पहने, पूरा मैच कर दिया आज हमने। सो ऑफिस से घर आ चुकी थी मैं 7:30 बजे के करीब, बट उसके बाद घर आने के बाद थोड़े काम बाकी थे तो वो भी कंप्लीट करके अभी थोड़ी देर कॉफी एंजॉय करने के लिए बैठी हूँ। फिर पीने के बाद मम्मी के साथ थोड़ी हेल्प करवा दूंगी किचन में, बट ज़्यादा वैसे मम्मी करवाती नहीं है क्योंकि ऑफिस से भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ आने के बाद, तो ऑफिस से आने के बाद सीधा सिर्फ बेड दिखता है मुझे। ये सोच के इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज के सिर्फ कल एक दिन और ऑफिस जाना है, फिर परसों रक्षाबंधन की छुट्टी है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एक हैप्पी नोट के साथ, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, and thanks for watching and keep supporting.